आखिर कैसे एक स्टेबलाइजर एक फिक्स वोल्टेज लेवल को मेंटेन रख के हमारे उपकरणों को खराब होने से बचाता है यही तुम आप जानोगे इस वीडियो में तो चालू करते हैं फिर और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लो एक अच्छे और खूबसूरत भविष्य के लिए साथ में घंटी भी दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना चलो अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं एक स्टेबलाइजर का, का काम होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कम करके एक फिक्स वोल्टेज को हमें देना फॉर एग्जाम्पल मान लो दो वोल्ट है तो अगर वोल्टेज दो वोल्ट से ज़्यादा आएगा मान लो ढाई वोल्ट तो इसको कम करके दो कर देगा और अगर वोल्टेज दो से कम आएगा मान लो दो वोल्ट तो भी उसको बढ़ा के 220 कर देगा यानी कि स्टेबलाइज़र के इनपुट में कितना भी वोल्टेज आए उसके आउटपुट में जो वोल्टेज होता है वो लगभग फिक्स रहता है अब एक स्टेबलाइज़र इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे उपकरणों को ना ही बहुत ज़्यादा वोल्टेज पसंद है और ना ही बहुत कम वोल्टेज मतलब अगर 220 का 240 या फिर 200 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर 220 वोल्ट की जगह 250 या फिर उससे ऊपर आने लगे या फिर यहाँ पे 180 या फिर इससे भी नीचे जाने लगे तो हमारे उपकरणों का खराब होने का खतरा बना रहता है तो इसी चीज़ से हमारा स्टेबलाइजर उपकरणों को सुरक्षा देता है ओवर वोल्टेज से और अंडर वोल्टेज से तो यहां से हमें यह पता चला कि स्टेबलाइजर के अंदर एक ऐसा जुगाड़ है जो कि वोल्टेज को बढ़ा सकता है और घटा सकता है अब हम यूज करते हैं एसी वोल्टेज का और एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए हमें क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर बस स्टेबलाइजर के अंदर कुछ नहीं होता सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर होता है अब एक स्टेबलाइजर में किसी मामूली ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किया जाता उसमें यूज होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होता है दो वाइंडिंग्स एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी जबकि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक वाइंडिंग होती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह यूज़ की जाती है वो समझो कैसे एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग करते वक्त हम उसमें से टैप्स निकालते हैं टैप्स कुछ भी नहीं है बस जगह जगह पे इस वायर को छील के हम उसमें कनेक्शन जोड़ लेते हैं और उनको बाहर निकाल लेते हैं मतलब मान लो एक कनेक्शन ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया और यहाँ पे मान लो एक कनेक्शन यहाँ पे हो गया तो इधर वाले तुम्हारे कनेक्शन है इनपुट के और ये सब है आउटपुट के अब मान लो तुम्हारा इनपुट आ रहा है वही दो वोल्ट यानी कि नॉर्मल तो अब तुम्हें आउटपुट में भी दो वोल्ट ही चाहिए तो तुम क्या करोगे इसके जो बिल्कुल सामने पॉइंट है ना इसके ठीक सामने यानी कि ये वाला पॉइंट यहां पे तुम्हें मिलेगा 220 वोल्ट अब यहां पे एक पॉइंट हो गया ये और दूसरा होगा यहां पे इसको तुम मान लो न्यूट्रल यहां पे जो न्यूट्रल है वो इनपुट और आउटपुट का दोनों कॉमन होता है तुमने शायद कभी ना कभी देखा भी होगा एक स्टेबलाइजर के अंदर जो इनपुट और आउटपुट का न्यूट्रल है वो कॉमन होता है मतलब न्यूट्रल सिर्फ एक जाता है जबकि जो लाइव है वो इनपुट का अलग होता है और आउटपुट का अलग होता है तो यहां पे तुम्हारा इनपुट और आउटपुट का जो न्यूट्रल है वो सेम है तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा आउटपुट इस वाले पॉइंट पे और इनपुट तुम्हें देना है इस वाले पॉइंट पे जब यहाँ पे वोल्टेज नॉर्मल हो यानी कि 220 वोल्ट हो अब मान लो यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया है मान लो हो गया है 180 वोल्ट तो यहाँ पे हमें चाहिए वोल्टेज बढ़ा के तो हम क्या करेंगे आउटपुट को इस वाले पॉइंट से हटा के इस वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे ठीक है पहले यहाँ पर तुम्हारा आउटपुट इस पॉइंट पर था लेकिन जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज कम हुआ तुमने आउटपुट इस पर से हटा के इस पर जोड़ दिया अब जैसे ही यहाँ पर इनपुट और भी कम हो जाएगा मान लो डेढ़ सौ तो तुम यहाँ पे इसको हटा के यहां पे जोड़ दोगे यानी कि आउटपुट में नंबर ऑफ टन्स को हम बढ़ा रहे हैं इनपुट में नंबर ऑफ टन्स वही हैं जो इनपुट का पॉइंट है वो यहाँ पर ये यह है सिर्फ एक जबकि आउटपुट के पॉइंट को हम बढ़ाते जा रहे हैं ताकि यहाँ पे वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलने लगे जैसे जैसे आउटपुट पॉइंट पे हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते जाते हैं हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलने लगता है अब अगर वोल्टेज और भी कम होगा तो यहाँ पे एक पॉइंट तुम यहाँ पे जोड़ दोगे ठीक अब मान लो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आने लगा है दो सौ बीस की जगह आ गया मान लो ढाई सौ तो हम क्या करेंगे आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देंगे यानी कि यहाँ पे हमारा नॉर्मल इनपुट था यहाँ पे आएगा तुम्हारा ढाई सौ वोल्ट अब अगर तुम्हें कम वोल्टेज चाहिए तो तुम जोड़ दोगे यहाँ पे अब वोल्टेज मान लो आने लगा तीन सौ वोल्ट तो तुम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को और भी कम कर दोगे और यहाँ पे जोड़ दोगे यहाँ पे तुम्हें मिलेगा दो सौ बीस वोल्ट यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सब होते हैं वोल्टेज को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए तुमने पहले स्टेबलाइजर जरूर देखे होंगे उनके अंदर एक नोब होती थी घुमाने वाली तो असल में उस नोब को घुमा के क्या होता था जो नंबर ऑफ टर्न्स है ट्रांसफॉमर के वो चेंज होते थे लेकिन आजकल के जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है उनके अंदर वो नोब नहीं होती है एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र में होता यह है कि उसके अंदर यूज़ किया जाता है रिलेस का यहाँ पे आउटपुट मैंने थोड़े कम कर दिए हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सिंपल दिखे ठीक तो यहाँ पे सिर्फ चार आउटपुट हैं ये तुम्हारा न्यूट्रल है जो कि कनेक्ट रहेगा परमानेंट तो यहाँ पे तुम्हारे चार आउटपुट हैं ये है तुम्हारा कंट्रोल सर्किट तो जो कंट्रोल सर्किट होता है वो वोल्टेज को सेंस करता रहता है जैसे यहाँ पे वोल्टेज नॉर्मल आ रहा है यहाँ पे ये इस वाली रिले को ऑन कर देगा जैसे ही ये वाली रिले ऑन होगी तुम्हारा जो आउटपुट है वो जाएगा इस पॉइंट से जो कि होगा तुम्हारा यहाँ पे 220 वोल्ट के इक्वल अब जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज कम होगा यहाँ पे इसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देगा तो यहाँ पे ये इस वाली रिले को ऑन कर देगा मतलब इस रिले को कर दिया ऑफ और इसको कर दिया ऑन अब जैसे ये ऑन होगी तुम्हारा आउटपुट जाएगा इस वाले पॉइंट से तो यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ चुके हैं इसलिए वोल्टेज भी बढ़ जाएगा अब अगर इनपुट वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा नंबर ऑफ टर्न्स को घटा देगा यानी कि इस वाले रिले को ऑन कर देगा तो तुम्हारा आउटपुट जाएगा इससे मतलब यहाँ पे इन रिलेज़ को ऑन या ऑफ करके नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किया जा सकता है और उसी हिसाब से तुम्हारा वोल्टेज बढ़ेगा और घटेगा अब इस कंट्रोल सर्किट को कैसे पता चलता है कि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ के आ रहा है या फिर घट के तो इसके अंदर एक आई होती है जिसके अंदर पहले से फीड होता है कि कितने वोल्टेज पर इसको किस रिले को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है अब इसको पावर कहाँ से मिलता है तो ये तुम्हारा 220 वोल्ट पे काम नहीं कर सकता इसको पावर चाहिए 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट पे तो यहाँ पे 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट कैसे लाएंगे तो हम क्या करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर ही कुछ टर्न्स दे देते हैं किसी और वायर से मतलब मान लो कोई पतला सा वायर लिया और इसी ट्रांसफार्मर के अंदर कहीं पर बीच में टर्न्स दे दिए मान लो यहाँ पे टर्न्स दे दिए कुछ और वापस इसको दे दिए मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग्स हैं एक तो मेन वाइंडिंग है और एक हम इस कंट्रोल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए इसको पावर देने के लिए देते हैं इसके अंदर जाके डीसी बन जाती है क्योंकि रिलेस को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए डीसी ठीक तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ टर्स देके हम इसको पावर करते हैं और इन्हीं टर्न्स की मदद से ये ये भी नाप लेता है कि वोल्टेज कम आ रहा है या फिर ज्यादा और उसी हिसाब से यहाँ पर रिलेस को ऑन या फिर ऑफ कर देता है